स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू TGS e-learning platform। स्टूडेंट, टुडेज अवर सब्जेक्ट इज मैथ। नाउ लुक हियर, दिस इज योर मैथ बुक, ओपन योर पेज नंबर 45। स्टूडेंट, अवर टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, देखिए असेंडिंग मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी कि स्मॉल नंबर से बिग नंबर तक जाना। एंड डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, बिग नंबर से स्मॉल नंबर तक जाना। आप सारे बेबीज के घर पे स्टेयर्स होंगे ना, जब भी आप छत पे जाते हो तो क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप चढ़ते हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर क्या करते हैं, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, टॉप पे, यानी कि छत पे पहुँच जाते हैं, है ना। तो वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स देखिए, ये 11 है, 11 से बिग क्या होता है 12, 12 से बिग क्या होता है 13, 13 से भी बिग 14। जो नंबर हमारे पहले होते हैं वो हमारे स्मॉल होते हैं, और जो नंबर उनके बाद आते हैं वो उनसे क्या होते हैं, बिग होते चले जाते हैं, वन वन स्टेप बिग होते चले जाते हैं। तो वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब होता है बैक काउंटिंग। जब हम लोग बैक काउंटिंग लर्न करते हैं, जैसे अगर हमने 100 से या 50 से काउंटिंग स्टार्ट की, तो 50 से स्मॉल क्या होता है 49, 49 से स्मॉल होता है 48, 48 से स्मॉल होता है 47। तो ये क्या है, जब हम लोग बैक काउंटिंग पढ़ते हैं तो वो पूरी काउंटिंग किस में होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो वो होती है हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखिए 19 से स्मॉल है 18, क्योंकि ये तो इसके पहले आ जाता है, जब 18 में 1 प्लस करते हैं तभी तो हमारा 19 जाता है ना। तो 19 से स्मॉल 18, 18 से स्मॉल 17, 17 से भी स्मॉल 16, फिर 15, 14, 13, 12 एंड 11, लाइक दिस। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल से बिगर, बिगेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर करना है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कोई सीरीज़ में काउंटिंग नहीं है, आपको अलग अलग डिजिट दिए गए हैं जिसमें से आपको फाइंड करना है। काउंटिंग जब हम लोग रीड करते हैं तो हमारा पहले कौन सा लेटर आता है, और जैसे देखिए यहाँ पे 1 to 12 हमारा पहले ही आता है, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 12 के और आगे आता है जाके ना। तो 12 हमारा क्या हो गया, स्मॉल नंबर, तो हमने यहाँ पे 12 राइट कर लिया। 12 के बाद देखिए 1 वाली लाइन का और कौन है, 17 है, 12 वाली लाइन में और क्या आता है 17। फिर क्या आता है, देखो 17, 18, 19, 20, 22। आपको पता है 1 के बाद कौन सी लाइन आती है, 2 वाली, 2 वाली लाइन का डिजिट क्या है, 22, 22। 2 के बाद आती है हमारी 3 वाली लाइन, यानी 31, 31, 41, 41। आप स्टूडेंट बस इतना याद रख लो, जब काउंटिंग हम लोग रीड करते हैं तो जो 1, 1, 11 है वो 1 वाली लाइन होती है, उससे बिग होती है 2, 2, 22 वाली लाइन, उससे भी बिग होती है 3, 1, 31 वाली लाइन, उससे भी बिग होती है 4, 1, 41 वाली लाइन। इस तरह से 91 तक की जो लाइन होती है वो बिग होती चली जाती है। तो अगर 1 वाली लाइन का कोई डिजिट है तो वो स्मॉल है, 2 वाली लाइन डिजिट का जो है वो 1 के बाद आता है, अगर 3 की लाइन का कोई है तो वो थर्ड नंबर पे आता है, लाइक दिस। ठीक है, जैसे 1 वाली लाइन के 2 डिजिट थे, अब मैंने देखा कि इसमें 12 पहले आता है या 17, तो 12 पहले आता तो मैंने पहले 12 लिख दिया, फिर 17। फिर देखिए 2 वाली लाइन का क्या है, 2, 2, 22। फिर देखिए 3 वाली लाइन का क्या है, 3, 5, 35। ये फर्स्ट डिजिट से देख के हम लोग फाइनल करते हैं कि 2 वाली लाइन का है कि 1 वाली लाइन का, किस लाइन का, तो क्या हो गया 3, 5, 35। फिर इसके बाद देखिए 3 वाली लाइन के बाद अब कौन हमारा बच रहा है लास्ट में, ये 4, 1, 41। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इसी तरह से करते हैं, जो सबसे बिग होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे स्मॉल वाले। जैसे अब यहाँ देखो सारे डिजिट देख लो, 5, 4, 1, 3, और ये तो सिंगल है, तो यानी सबसे स्मॉल है। तो काउंटिंग में 5 आता है ना बाद में सबसे, तो 5, 3, 53। 5 से पहले क्या आता है, 4, 4 वाला डिजिट क्या है, 4, 5, 45। 4 से स्मॉल है 3, तो 3, 0, 30। फिर देखिए 3 के पहले आता है 2, 2 वाला कोई डिजिट नहीं दिया है, फिर दिया है 1, 9, 19, तो 1, 9, 19। देन 5, तो ये 5 हो गया। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, राइट द नंबर इन ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर असेंडिंग ऑर्डर एंड देन फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जैसा कि मैंने बताया, आप उसके फर्स्ट डिजिट देख लेंगे,
अब ये देखिए, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 1 है, इसका 2 है, ये सिंगल है, यानी कि ये सबसे स्मॉल है। तो सबसे स्मॉल वाले को हम यहाँ रख लेंगे। फिर 1 वाली लाइन आती, 1 वाली लाइन का क्या है, 1 6 16। 1 के बाद आती है 2 की लाइन, तो 2 6 26। 26 के बाद आती है 3 वाली लाइन, तो 3 9 39। फिर आती है हमारी 4 वाली लाइन, तो 4 0 40। अब 5 की लाइन दी नहीं है, 6 की लाइन दी नहीं है, 7 की दी है, तो 7 5 75। इसी तरह से हम यहाँ करेंगे, हम फर्स्टली इसके सारे फर्स्ट डिजिट देख लेंगे, फिर हम देखेंगे जो सबसे बिग है उसको सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो देखिए, 1 वाली लाइन के आपके यहाँ पे तो 2 है, तो कंफ्यूज मत होइए, काउंटिंग में जो पहले डिजिट आता है वो हम पहले रखेंगे और जो बाद में आता है वो बाद में। बट जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो तो जो बिग वाला है वो पहले रखा जाएगा, स्मॉल वाला उसके बाद में। तो पहले देख लीजिए इसमें सबसे बिग क्या है, 9। तो 9 9 99, 9 से स्मॉल होता है 8, तो 8 9 89। फिर देखिए, 8 से स्मॉल होता है 7, तो है नहीं। फिर 6 है, तो 6 1 61। फिर 6 से स्मॉल होता है 5, तो 5 1 50। फिर देखिए, 18 और 12 में से 18 बिग है ना, तो 18 हम राइट कर लेंगे, देन 12 हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा। लाइक दिस हम ये भी करेंगे, इसमें सबसे स्मॉल हमारा क्या है, 3, देन 1 2 12, देन 17, देन 25, देन 33, एंड फिर 100, 100 हमारा सबसे बिग हो गया, क्योंकि देखिए 1 10 100 सबसे बिग नंबर है ये। डिसेंडिंग ऑर्डर हमें लाइक दिस इसी तरह से करना है। सबसे इसमें बिग कौन सा डिजिट है आपका, 95, देन 78, देन 55, देन 45, देन 21, एंड फिर देन 10। ओके, लाइक दिस आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ लुक एट योर नोटबुक स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ नोटबुक। आपको ये वर्क सेल्फ कंप्लीट करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से इन डिजिट्स को फिल करना है। ओके, थैंक यू।